ये है रवि का पर्वत यानी ग्रह पर्वत। ये ग्रह पर्वत का स्थान मध्यमांगुली अनामिका इन दोनों को दूर करेंगे। बीच में जुड़ा हुआ जो चर्म है वहां से कल्पना से एक लंबी लकीर हृदय रेखा तक ले जाइए, हृदय को भूमि बनाइए और अनामिका कनिष्ठा इन दोनों अंगुलियों को पसारिए दूर दूर और बीच में जुड़ा हुआ जो चर्म है वहां से कल्पना से और एक लंबी लकीर हृदय रेखा तक। बस ऊपर का भाग हथेली का ऊपर का भाग जहां एक अंगुली खड़ी रहती है गंभे के रूप में, बस वो स्थान है पूरा सूर्य का। एकदम लाल रंग के सूर्य ग्रह राज्य में अगर देखेंगे तो वे ही सब कुछ हैं, वे ग्रह राज्य के राजा हैं। गुरु मंत्री है तो शनि दास है तो रवि राजा है। हुकूमत होती है उनके कारकों पर। एक बार हम दृष्टिपात करेंगे उनके कारक क्या क्या होते हैं और उस ग्रह पर्वत में कौन कौन से चिन्ह होते हैं। इधर एक बार अच्छी निगाह से अच्छी दृष्टि से स्पष्ट रूप से उनके जितने भी कारक हैं उनके भीतर पर्वत के अंदर पर्वत के ऊपर हमको दिखाई पड़ने वाले चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं एक बार कृपया विहंग दृष्टि से दृष्टिपात कीजिएगा। जातक का प्रधान ग्रह सूर्य होता है तो उनके लक्षणों को देखकर आकार प्रकार को देखकर ही बहुत सारे लोग बता सकते हैं कि हाँ ये सिंह राशि के हैं ये सूर्य जातक है करके। कैसा बहुत विशाल माथा, पसीने आते रहते हैं, लाल आंखें, एकदम लाल नहीं लाल रेखाएं चलती रहती हैं, तीव्र दृष्टि, बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, गोल चेहरा, स्थूलकाय, बस चलते समय एक शान राजसी टाट टूट पड़ती है उनकी। ये है सिंह राशि के और सूर्य पर्वत के अधिकारी यानी जातक के बारे में बता रहा हूं और सूर्य इसके अधिपति है। सूर्य के गुणगण, सूर्य के कारक, सूर्य के पूरे लक्षण इनमें दिखाई पड़ते हैं। समस्त विश्व को अगर कोई प्रकाश देने वाला है भूमंडल को, यहां तक के सभी ग्रहों पर सूर्य प्रकाश करने वाले एक हैं, तो वे एक हैं सूर्य। सूर्य का जितना बड़ा प्रकाश होता है जितनी तेजी होती है जो ज्वल्य जैसे दिखाई पड़ते हैं उनके चरित्र के विषय में बातों में चेष्टाओं में हर किसी विषय में सूरज जैसा चमकता है उस तरह से अपने जीवन में खूब चमकते हैं ऐसे जातक। अब उनके प्रधान कारकों में देखेंगे उनके अच्छे अच्छे आदर्श होते हैं। आत्मा के प्रधान है, आत्मा कारक है, इतना इतना आत्मबल, इतनी आत्मशक्ति, इतना आत्मविश्वास, बड़ा सा बड़ा काम, गुरुतर भार उनके सामने आ जाए उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, विश्वास हो जाता है। इतना बड़ा विश्वास रहता है कि मैं यूं ही
क्षण में इस काम को कर सकता हूं, उतनी आत्मशक्ति होती है। कहते हैं ना कभी कभी पर्वतों को तक खिलाने की शक्ति जिसमें होती है, तो वो सूर्य में पिघला पिघला सकते हैं पर्वतों को तक। हां, सूर्य की कांति से ना हिमालय पर्वत भी ओस पिघलता रहता है, बड़े बड़े लोग भी यूं देखकर वाह ऐसा रहना चाहिए व्यक्ति को करके बोल सकते हैं। उतना बड़ा आत्मविश्वास, उतना बलिष्ठ आत्मबल, आत्मशक्ति, सब कुछ है। आदर्श, समुन्नत आदर्श, आचरणीयवान होते हैं उनके, उनके जितने अच्छे आदर्श होते हैं, केवल आदर्श मात्र ही नहीं, वे आचरण के योग्य होते हैं। उनके लिए आचरण का तत्व रहता है, आचरण करने का, जो कहते हैं सो करके बैठते हैं, ये हैं उनके आदर्श। और इतना बड़ा आदर्श उनके पीछे छिपा रहता है, अगर नष्ट हो, कष्ट हो, मुझे हो तो परवाह नहीं, मेरे कारण दूसरों को नष्ट कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा आदर्श रहता है। हां, शायद मैं समझता हूं ऐसे आदर्श होने के कारण ही यही आदर्श कभी कभी सूर्य तत्वों को नष्टों में कष्टों में कभी सताते रहते हैं। आदर्श अच्छे हैं, आचरणीय हैं, मगर वे ही कभी कभी उनको सताते हैं, फिर भी सराहनीय है, शोभा देती है उसके लिए। ये देखेंगे आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी नहीं अच्छी विद्या, बहुत सारी कलाओं में इनका प्रवेश होता है, मुख्य रूप से संगीतज्ञ होते हैं, शिल्प चातुर्य रहता है, हर प्रकार के यानी मेलोडियस वॉइस बहुत तरह से रहते हैं, क्लासिकल ट्रेडिशनल म्यूजिक को सॉन्ग्स को। ऐसे लोग जो सूर्य जातक होते हैं, जिनका प्रधान पर्वत सूर्य है, उनमें ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अच्छी विद्या होती है, विद्या की सूचना, विद्या है क्या, कैसी विद्या है, इसको पूछने के लिए तीन रेखाओं को देखने की जरूरत है, तीन पर्वतों को देखने की जरूरत है। सर्वप्रथम पर्वत है कि सूर्य का, क्या यह समुन्नत है, यानी न बहुत उभरा न बहुत ढलवा न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, ऐसा तो नहीं है ना। अगर समतल है, समपात में है, अच्छी विद्या रहती है। अगर उस पर्वत पे खड़ी रेखाएं हो, मुख्य रूप से प्रधान रूप से विद्या रेखा अगर होती है, तो इन दोनों अंगुलियों को पसारेंगे, मध्यमा और अनामिका, इन दोनों अंगुलियों को पसारेंगे, जहां चर्म से जुड़ा रहता है उस भाग में यहां पर एक रेखा रहती है, इसको कहते हैं विद्या रेखा। विद्या रेखा का मतलब एमए होना, पीएचडी होना, एमसीए होना, इंजीनियरिंग होना, ऐसी बात नहीं। विद का मतलब टू नो, ज्ञान बहुत होता है उनके भीतर, वही विद्या है। बिल्कुल अनपढ़ निरक्षर काला अक्षर है बराबर, वैसे लोग के हाथों में भी ये विद्या रेखा दिखाई पड़ती है। इस विद्या से क्या ज्ञान होता है, दूसरों को समझाने में, सुनाने में, दूसरों पर अधिकार चलाने में, दूसरों पर अपनी हुकूमत करने के लिए, अपनी बात चलाने के लिए ये विद्या काम में आती है। यानी औरों को अपने साथ हां में हां मिलाने के लिए जो जिस विषय में प्रयत्नशील रहते हैं, वो होती है विद्या। विद्या के लिए केवल सूर्य पर्वत को देखने से कुछ लाभ नहीं, किंतु बुद्धि रेखा को भी देखने की आवश्यकता है। मध्यम अंगुली और अनामिका अंगुली के बीच में ये खड़ी रेखा है का स्थाई रेखा, हाँ है। सूर्य पर्वत ठीक है क्या, समतुल्य में है क्या, समपात में है क्या, ठीक है। बुद्धि रेखा अच्छी है क्या, कुछ स्थान में समाप्त हो रही क्या, ठीक है। अच्छी बात यह आएगी,
बुद्धि बुद्धि चातुर्य कैसा है, बुध पर्वत को देखने की जरूरत है। अगर वहां संलक्षण रेखाएं हो तो विद्या के प्रवीण होते हैं, किसी भी विद्या के हो सकते हैं। ठीक है, विद्या है, जिसमें विद्या अधिक होती है ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी होते हैं, समुन्नत पदवी में रहते हैं। सूर्य जातक जो होते हैं वे नौकरी करते हैं, कुछ से कुछ उद्योग करते हैं, राज्य संबंधी सरकार की नौकरी बोलते हैं ना, वैसे नौकरी भी उनको मिल सकती है ठाट बाट के साथ। बस जिधर किधर अंगुली उठाए तिधर तिधर उनकी आज्ञा चलती है, उनके अनुयायी बहुत होते हैं। जिस ओर इसने हाथ दिखाया उस ओर वे काम करने के लिए एक नहीं हजारों लोग खड़े होते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। क्यों? अधिकार उनके हाथ में रहता है, शासन उनके हाथ में रहता है, द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं ना, ऐसे होते हैं लोग। यानी आत्मविश्वास अधिक, विद्या अधिक है, अच्छी पदवी पर रहते हैं, पदवी मात्र ही नहीं काफी प्रतिष्ठा रहती है, यानी योग्यता अच्छी होती है, प्रज्ञा भी होती है, पाठो भी होता है, शक्ति होती है, हुकूमत होती है, हर किसी तरह से वे समुन्नत व्यक्ति कहे जाते हैं, ऊंचे पदवियों में रहते हैं। अगर हो सके तो इनकी अंगुलियां चतुस्राकार में हो, हाथ भी चतुर्भुजाकार में हो, यानी चार यानी जिसको स्क्वायर बोलते हैं ना, उस आकार में अंगुलियां अगर हाथ रहते हो तो और भी उनके पदाधिकारी होते हैं। ऐसे लोग राजनीति क्यों होते हैं, उनके कार्यकों में राजनीति भी है, इनके राजनीति होती है। कैसी नीति? जो नीति राजमार्ग पर चलती है, अच्छी नीति होती है, अच्छी तरह से सुनते हैं सुनाते हैं, उनकी बात को कोई टाल नहीं सकते हैं, हामे हाँ मिलाना ही पड़ेगा, नहीं कतन कभी भी नहीं कहेंगे। दूसरों को बुरा करना नहीं, जिस तरह से मुंह होता है खाने से पूरा शरीर जिस तरह से बलिष्ठ होता है, सूर्य जातक जो होते हैं वे स्वयं तृप्त रहते हैं, दूसरों के तृप्त रहते हैं, अनेक अनेकों के अगुवा होते हैं, आगे चलते हैं, बहुत सारे लोगों के नायक होते हैं। इसी कारण राजनीति के क्षेत्र में मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी न किसी तरह से हो, राजनीति के क्षेत्र में ये समुन्नत पदवियों को भी लेते हैं और उनकी प्रज्ञा पाठोशक्ति भी खूब होती है। ठीक है, आप देखेंगे राजनीति में होती है, अच्छी उत्ति करते हैं, राज्य करने का अधिकार होता है और प्रज्ञा पाठो भी अच्छे होते हैं, और जहां कहीं जाए प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा, सम्मान ही सम्मान, गौरव ही गौरव। सूर्य जातक आते ही चाहे कितने बड़े व्यक्ति भी क्यों न हो, बैठे हुए व्यक्ति उठकर खड़े होकर प्रणाम करने की इच्छा होती है। इस कारण पदवी ही नहीं प्रतिष्ठा ही नहीं, जहां कहीं चले गौरव सम्मान इनके होते। जिस वृत्ति को लेते हैं, जिस वृत्ति में वे रहते हैं, केवल वृत्ति सेवा भाव से करना ही नहीं, डिवोटी जैसे काम करना ही नहीं, अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिलेंगे इनको। इस कारण प्रतिष्ठा काफी रहती है, पदवी रहती है, उसमें अच्छी निपुणता होती है, रिकॉग्नाइजेशन बहुत रहता है सूर्य जातकों में। ठीक है, अब देखिएगा कलाओं में उनकी काफी रुचि रहती है, संगीत कला कोई भी कला क्यों ना हो, सूर्य जातकों में बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, और चलचित्र का रंग इनके लिए योग्य होता है। मुख्य रूप से ऐसे लोग वैद्य भी बनते हैं, बड़े बड़े चिकित्सक बनते हैं, योग्य चिकित्सक बनते हैं। मुख्य रूप से हृदय भी इनका कारक होने के कारण, नयन भी इनके ही कारक होने के कारण, नयन के निपुण बोन स्पेशलिस्ट, हड्डियां
उनके स्पेशलिस्ट हृदय से संबंधित हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, ऐसे बड़े बड़े चिकित्सा के निपुण होते हैं, उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑपरेशन करने में, शस्त्र चिकित्सा करने में इतने निपुण होते हैं, चट 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 जैसे कि खींचते हैं ऑपरेशन, उनके द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है, जो चिकित्सा की जाती है शस्त्र की, तो अत्यंत सफल रहते हैं, वैसे लोगों की भलाई होती है उनकी। इसलिए डेंटिस्ट भी ऐसे ही लोग में रहते हैं, चर्म संबंधी स्पेशलिस्ट भी इसी में रहते हैं, और हर प्रकार के संख्या ना, हड्डियों के विषय में लीजिए, आंखों के विषय में लीजिए, हृदय के विषय में लीजिए, दांतों के विषय में लीजिए, चर्म विषय में लीजिए, ऐसे बहुत सारे विषयों के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर ये लोग वैद्य वृत्ति में रहेंगे, अगर डॉक्टर्स बनेंगे तो, अगर राजनीति में चलेंगे ऊंची पदवियों पर, मंत्रिगण में इनका एक नंबर रहता है, एक सदस्य बनकर रहता है ऊंचे पद में, पदाधिकारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, सबसे बड़े ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर, मैनेजर, चीफ मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, ऐसे ऊंचे ऊंचे पदवी को अलंकृत करते हैं। उस ऊंचे पदवी में बैठे इसलिए गौरव नहीं, इनके कारण ही उस पदवी की शोभा बढ़ती है। उतने ऊंचे व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, कलाई के होते हैं और हृदय इतना पवित्र, पूत्र, एकदम पूत्र, पवित्र दिल होता है, निष्कलमश व्यक्ति, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी गर्मी होने के कारण जल्दी गुस्सा आना, जल्दी घट जाना, इतने क्षणों में गुस्सा आता है, क्षणों में गुस्सा कम भी हो जाता है, किसी का नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि आदर्श जीवी है। और इन पर्वत, इस पर्वत में कौन कौन सी रेखाएं आ सकती हैं, कौन कौन से चिन्ह आ सकते हैं, क्या क्या फल देते हैं, एक बार हम दृष्टिपात करेंगे। बहुत कम रेखाओं के बारे में बोल रहा हूं, बहुत कम चिन्हों के बारे में बोल रहा हूं। अगर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूं ये मात्र बस नहीं है कि शास्त्राध्ययन करने की आवश्यकता है, एक ग्रंथ के नहीं, दो ग्रंथ के नहीं, अनेक नहीं, अनेक ग्रंथों का अध्ययन कीजिएगा, अवगहन कर लीजिए, अनुभव बढ़ा लीजिए, शास्त्रज्ञ कहलाइए, आपको भला होगा, राष्ट्र का भला होगा, जो जनता आपके सामने आएगी, जो जातक आप लोग आपके यहां आ जाएंगे जातक, उनके भी भलाई होगी, यानी समाज सेवा कर सकती है। ठीक है, अब देखेंगे।